हेलो दोस्तों, मैं शिवाकर मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। वेलकम टू द मैथ वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम लोग मैं आपसे कुछ यूपीएसआई से रिलेटेड स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मुझे लगा कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यूपीएसआई से रिलेटेड कैसे तैयारी की जाए, क्या पढ़ाई की जाए, कैसे पढ़ाई की जाए, इससे रिलेटेड कुछ चर्चा करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं हमारी कैसी स्ट्रेटजी रही पहले, उसके बाद फिर हम बताएंगे कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस बीच में। तो सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने यूपीएसआई से रिलेटेड कैसे तैयारी की, कौन कौन से बुक्स प्रिस्क्राइब किए, कहाँ से मैंने मटेरियल ढूँढा, कैसे पढ़ाई किया। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की, कि हमने मैथ को लेकर कैसे अपनी तैयारी जारी रखी। मैथ के लिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए कोई एक बेसिक बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी बुक्स हो मार्केट में जो अवेलेबल है, आप उसको लेके पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, चैप्टर वाइज चैप्टर, पॉइंट वाइज पॉइंट। उसके बाद आप उसमें परेशान मत, ये मत होइए कि नहीं अभी क्या ये नहीं मुझसे हो रहा, जल्दी नहीं हो रहा है, जल्दी होना चाहिए, शॉर्टकट अपनाए इसको, ऐसा नहीं। आपका बेसिक क्लियर हो, जब आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आपके सारे तरीके उसमें फॉलो करेंगे। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसको शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आप कोई भी मार्केट की बुक हो, उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर, उसमें क्या है, कैसे है, क्यों हो रहा है, उसको बारीकी से आप समझो, उसको जानो, उसके बाद ही फिर आगे के लिए ये सोचो। यही चीज आपके लिए हिंदी के लिए है, हिंदी की भी बुक्स मार्केट में बहुत सारी हैं, लेकिन कोई ऐसी बुक्स पकड़ो जिससे आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो हिंदी पढ़ने का, क्योंकि हिंदी पढ़ने में लोगों को उतनी रुचि नहीं होती, मैथ लगाने में, रीजनिंग लगाने में लोगों को इंटरेस्ट आता है, लेकिन हिंदी पढ़ने में जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करो उस सब्जेक्ट में। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या होगा, कोई मार्केट में जो अच्छी बुक्स है, अच्छी बुक्स मतलब जो बेसिक बुक्स है, बहुत स्टैंडर्ड प्रकाशन की बुक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं इसके लिए। मार्केट में बहुत सारी इस तरीके से बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें ग्रामर से रिलेटेड, आपके वर्णमाला से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी स्कोरिंग और बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। आप हिंदी में 40 के 40, जैसे हम लोगों में जब वो एग्ज़ाम हुआ था तो हम लोगों में 40-40 क्वेश्चन 2016 के उसमें थे। अब 2021 वाले उसमें क्या पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कितने मार्क के रहेंगे, ये तो अभी पता नहीं है जब तक नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट नहीं होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि लगभग इक्वल बैलेंस रहेगा हर सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, और इक्वल टाइम आपको देना पड़ेगा। आप अगर ये सोचो कि केवल एक सब्जेक्ट से हम स्कोर कर ले जाएंगे, एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको चारों पढ़ा सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना होगा। हिंदी के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना मैथ के लिए जरूरी है, जितना जीएस के लिए जरूरी है, जितना और सारे सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। तो सब मिला के हिंदी के लिए भी आप कोई ऐसी बुक मार्केट से वो प्रिफर करो जिसमें आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं ये बुक बहुत अच्छी है, वो बुक्स बहुत बेकार है, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी बुक्स की लैंग्वेज कितनी अच्छी समझ में आती है, इतना नहीं समझ में आता। मार्केट में बहुत सारे प्रकाशन हैं, बहुत हुए हैं, और कोई ये जरूरी नहीं कि कौन से प्रकाशन से पढ़ के सिलेक्शन मिलता है। सिलेक्शन मिलने का कोई प्रकाशन जिम्मेदार नहीं है या कोई बुक्स जिम्मेदार नहीं कि आप ये बुक्स पढ़ लोगे तो इससे आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं। यही सेम चीज़ आपके साथ है जीएस के लिए। जीएस के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आप करंट अफेयर्स पे जितना फोकस कर सकते हैं उतना करें। करंट अफेयर पर फोकस करने के लिए आपको किसी चैनल की ज़रूरत नहीं है, किसी यूट्यूब चैनल की ज़रूरत नहीं है। आप डेली न्यूज़पेपर स्टडी करिए। डेली न्यूज़पेपर स्टडी करने से क्या होगा, क्योंकि उससे जो रोज़ की घटनाएं होती हैं, छोटी बड़ी, इंटरनेशनल नेशनल, सारी चीज़ें उसमें आपको रोज़ की रोज़ मिलती रहेंगी। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप एक अपना नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, उसको जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको आप नोट करते जाइए, डेट बाई डेट नोट करते जाइए। आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा करंट अफेयर्स के लिए। बाकी मार्केट में मंथली पत्रिकाएं वगैरह अवेलेबल हैं, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं कि जो मंथली आती है करंट अफेयर्स की। बाकी जो यूट्यूब चैनल हैं आज के टाइम पे इतने सारे हो गए हैं, इतने सारा मटेरियल वो देने लगते हैं जो अनावश्यक होते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको,
करंट अफेयर से रिलेटेड में। करंट अफेयर से क्या होता है, क्योंकि हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो स्टेट का, जरूरी नहीं यूपीएसआई का ही हो, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, उसमें आपको करंट अफेयर बहुत मैटर करता है। कम से कम आप मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आसानी से आ सकते हैं। उसको तैयार करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि नहीं जो अच्छे प्रकाशन की बुक्स हो करंट अफेयर्स की वो हम पढ़ें। उसके लिए क्या करना, उसके लिए आपको रोज लगना पड़ेगा। रोज लगने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, और भी जो सारे हैं न्यूज हैं सारी चीज़ें इसको आप फॉलो करते रहिए। वहाँ से क्या होगा कि आपका जो करंट अफेयर्स का भंडार होगा काफ़ी अच्छा हो जाएगा, कलेक्शन अच्छा हो जाएगा, आपको आसानी होगी, थोड़ा थोड़ा रोज करने में आसानी होगी। जीएस के पार्ट में आता है, दूसरा पार्ट आ जाता है आपका मूल विधि। मूल विधि का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें यूपीएसआई में, बात होता तो बहुत है कि इतने क्वेश्चन की मूल विधि आएगी, ये आएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप ये मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन से ज़्यादा मूल विधि नहीं आने वाली है, और वो भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं, उसमें कुछ ऐसे धारा होती हैं जो आप पढ़ लोगे, एक बार पढ़ने से, दो बार पढ़ने से आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी उसमें। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बाकी जो सारे पार्ट हैं उस पर आप फोकस करिए। जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हम लोगों के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, उस पर आप फोकस करिए। आप मूल विधि के पीछे मत परेशान होइए, मूल विधि के आप मान के चलो 5 क्वेश्चन आ गया, बाकी अगर 40 क्वेश्चन का पेपर है, 5 क्वेश्चन मूल विधि के आ रहे हैं, आपको वो नहीं आ रहा, बाकी तो 35 आप तैयार कर सकते हो। 35 में तैयार करने के लिए आपके करंट अफेयर्स हो जाएंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, हिस्ट्री हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी, और हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बहुत स्टैंडर्ड लेवल के नहीं होते हैं, बस बेसिक्स होती हैं, जो बेसिक्स सारी चीज़ें सारे एग्जाम में आते हैं। उसके लिए क्या करना, अब तक के वन डे के जितने एग्जाम होते हैं, चाहे वो SSC लेवल के हों चाहे स्टेट लेवल के हों, आप उसको, उसके जो GS के पार्ट हैं उसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए प्रीवियस ईयर के। बाकी और सारी उसके लिए जो मार्केट में बुक्स हैं बहुत सारे प्रकाशन की, GS में भी भंडार है, ऐसा तो है नहीं कि GS में ऐसा कुछ है नहीं, तो आप उसको फॉलो करिए। कोई ये बुक लीजिए जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ा सकें, इंटरेस्ट बिल्डअप हो। GS जो केवल स्टडी करने वाले सब्जेक्ट हैं उसमें पर सबसे ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट कितना है। जब तक आप अपना इंटरेस्ट उसमें बिल्डअप नहीं कर सकते तब तक आप उसको आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, ना आपका उसमें मन लगेगा, ना आपका उसमें स्कोर हो सकता है। तो GS के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जो सारी चीज़ें हैं कोई एक अच्छी बुक्स ले प्रीफर करिए, और वो बुक्स एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितनी बार आपका हो सके उसको रिवाइज करिए। आपको 10 बुक्स GS से पढ़ने से अच्छा एक कोई स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, उसको 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करिए। उससे क्या होगा, एक बार में पढ़ने से किसी को या किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि एक ही बार पढ़े और उसका तैयार हो जाए। उसके लिए आपको बार बार लगना पड़ेगा, आपको पेन घिसना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग चलाने पड़ेंगे, तभी जाके GS का जो पार्ट होगा वो अच्छे से तैयार हो पाएगा। बात आती है रीजनिंग की, रीजनिंग के साथ भी ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर बुक्स नहीं है मार्केट में, उसके साथ भी कि नहीं ये बुक्स ले आए ये पूरा लगा लिए, उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, आप उस टॉपिक्स को किसी भी तरीके से, मार्केट में बुक्स अवेलेबल हों, प्रीवियस ईयर के सेट्स हों, जो सारी चीज़ें जहाँ से भी मिल जाए आपका मटेरियल, उसको आप कलेक्ट करिए, उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, जितने बार आप लगाओगे उतने ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी बुक्स, कोई भी मार्केट में जो है उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये नहीं है कि आप ये बुक्स प्रिफर करोगे तो यही इसी से सिलेक्शन हो जाएगा। हमने जो बुक्स पढ़ा जरूरी नहीं कि उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात एक इंटरेस्ट की होती है कि हमें किस प्रकाशन के बुक्स में इंटरेस्ट है, कौन सी बुक्स अच्छी लगी, आपको कौन से प्रकाशन की बुक्स अच्छी लग रही है, तो वो आपका मैटर है। लेकिन सब मिला के बस ये है कि प्रैक्टिस ही एक तरीका है कि जिससे आप सिलेक्शन के करीब पहुँच सकते हैं। प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका दिमाग, कोई क्वेश्चन आप एक बार लगा चुके हो, अगर आपको दोबारा कहीं दिखता है, अगर आप लगाए होगे तो अपने आप माइंड क्लिक कर जाएगा, ये इसको तो मैंने पहले देखा है। तो सब मिला के बस यही है कि आप प्रैक्टिस करिए, ना कोई पर्टिकुलर, कोई भी, कोई चैनल, कोई कोचिंग आपको अगर ये बताए कि ये किताब पढ़ लो इसे सिलेक्शन हो जाएगा, ये कर लो उससे सिलेक्शन, कुछ नहीं, आप किसी का मत मानिए, आप अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, आप अपने प्रयास पे भरोसा रखिए, हिम्मत मत हारिए,
बस लगे रहिए, और सबसे जरूरी बात है केवल बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बाकी दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में और कुछ टिप्स बताऊंगा, बस